फरुखाबाद डीएम संजय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में अमृतपुर तहसील में संपर्क समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें कुल 71 मामलों में से 8 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बता दें, डीएम ने शेष मामलों पर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही फर्जी निस्तारण होने पर कड़ी कार्यवाही की बात कही गई है। तहसील परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर डीएम संजय कुमार सिंह व एसपी अशोक कुमार मीणा के द्वारा अमृतपुर तहसील में पहुंचकर आम जनता की समस्याएं सुनी गई। वहीं डीएम संजय कुमार सिंह ने कहा कि अगर कोई फर्जी निस्तारण का मामला प्रकाश में आता है तो उनसे सीधे शिकायत की जा सकती है और ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। मौके पर कुल 71 से 8 का निस्तारण किया गया। विशेष मामलों का निस्तारण समयबद्ध व गुणवत्ता पूर्वक हो, इसके लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। तहसील परिसर में एक फरियादी अपने पुत्र के साथ बाइक से अंदर आ गया, जिसके चलते कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। फरियादी रमेश चंद्र निवासी गोटिया पश्चिमी ने बताया कि वह दिव्यांग है, इसलिए सीधे अपने पुत्र के साथ बाइक से ही अंदर चला आया है। वहीं जब इस मामले की जानकारी कर्मचारियों को हुई तो आनन फानन में उस दिव्यांग को व्हीलचेयर उपलब्ध कराई और उसकी समस्या का निस्तारण हेतु अधिकारियों से तत्काल भेंट करवाई गई। आज टोटल सब 71 मामले आए संपूर्ण समाधान दिवस में, जिसमें 50 जो है रेवेन्यू से रिलेटेड थे और बाकी अन्य विभाग से। निस्तारण सर कितनों का हुआ है? 8 के निस्तारण हुआ।